नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह ससोदिया। जोधपुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं जोधपुर का सुप्रसिद्ध मेहरानगढ़ का किला, जो कि अभी हमारे पीछे ही आपको नजर आ रहा होगा। ये किला बहुत सुंदर है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें देखने के लिए। इस किले की नींव रखी थी राजपूत शासक राव जोधा जी ने 1459 में। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट इन द कंट्री, यानी ये दुर्ग भारत में स्थित बड़े किलों में से एक है। इस किले में देखने लायक बहुत कुछ है, जैसे कि शीश महल, मोती महल, फूल महल, शस्त्रागार, पालकी खाना, दौलत खाना, किले की दीवार पर तैनात प्राचीन तोपें, चामुंडा माता का मंदिर, कई सारे लोकल आर्टिस्ट और भी बहुत कुछ। इस किले की एक इंटरेस्टिंग ऐतिहासिक कहानी है, जो कि एक सच्ची घटना है, जिसे मैं आपके सामने कुछ ही देर में प्रस्तुत करूंगा। और उसी घटना की वजह से मेहरानगढ़ किले को एक श्रापित किले के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और चलते हैं दुर्ग की ओर। जोधपुर में स्थित मेहरानगढ़ फोर्ट तक पहुंचना बहुत ही आसान है। चाहे आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके यहां पर पहुंचें या फिर अपना पर्सनल व्हीकल यहां पर लेके आएं, किसी भी तरह से आप यहां तक पहुंच सकते हैं। अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल यहां पर लेकर आते हैं तो ये है पार्किंग एरिया, जहाँ पर आप अपना व्हीकल पार्क कर सकते हैं। व्हीकल पार्क करके हम बढ़ते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट की तरफ, जहां पर सबसे पहले हमें चेकिंग पॉइंट नज़र आता है, जहां पर हमारी और हमारे बैग में रखे सामान की चेकिंग की जाती है। दोस्तों, मेहरानगढ़ किले का जो टिकट है वो 200 रुपये प्रति पर्सन का, यानी कि 200 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज है। लेकिन यहाँ पर मैं एक स्पेशल चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आप अंदर किसी भी तरह की सेल्फी स्टिक, किसी भी तरह का ट्राईपॉड, किसी भी तरह का गिम्बल, स्टेबलाइजेशन, किसी भी चीज़ की यहाँ पर परमिशन नहीं है। काफ़ी सारी सख्त चेकिंग होती है, उसके बाद ही आपको अंदर जाने दिया जाता है। मेहरानगढ़ फोर्ट के मुख्य द्वार के बाहर कुछ छतरियां हैं, जो कि उन वीरों के स्मारक के रूप में बनाई गई हैं, जिन्होंने युद्ध में अपने प्राण गंवाए और वीर गति को प्राप्त हुए, जिनमें ठाकुर चौहान श्याम सिंह की छतरी और ठाकुर खींची दुर्गदास की छतरी शामिल है। तो अब ये है मेहरानगढ़ फोर्ट का मुख्य द्वार, जिसके अंदर से अब हम एंट्री करने जा रहे हैं किले के अंदर। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो अब हम एंट्री करते जा रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट में किले के मुख्य द्वार से, जिसका नाम है जयपोल। किले में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको लेना होता है टिकट, जिसका मूल्य है 200 रुपये प्रति पर्सन, यानी कि 200 रुपीज़ पर पर्सन। यहां पर एक चार्ट भी दिया हुआ है, जिसमें आपको सारे शुल्क की जानकारी मिल जाएगी। तो अब हमने अपना टिकट ले लिया है और अब हम बढ़ते जा रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट में अंदर की ओर। अब यहाँ से आपके पास दो रास्ते हैं। अगर आप चाहें तो लिफ्ट का इस्तेमाल करके मेहरानगढ़ फोर्ट में ऊपर की ओर जा सकते हैं, लेकिन ये चार्जेबल है। लिफ्ट का चार्ज होता है 50 रुपीज़ पर पर्सन। ये सिंगल साइडेड है, यानी कि एक तरफा चार्ज है। और अगर आप चाहें तो पैदल मार्ग का इस्तेमाल करके मेहरानगढ़ फोर्ट में ऊपर की ओर जा सकते हैं। यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट फ्लाइंग फॉक्स, यानी कि जिप लाइन की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसका मज़ा आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये तो हो गई कुछ जरूरी जानकारी। अब चलते हैं किले के अंदर और आपको दिखाते हैं ऐतिहासिक दुर्ग मेहरानगढ़। अब जिस द्वार की ओर अब हम बढ़ते जा रहे हैं, उसका नाम है डेढ़ कांगड़ा पोल, जिसे लखन पोल के नाम से भी जाना जाता है। ये पुराने टाइम पर किले का मुख्य द्वार हुआ करता था। इस द्वार से सटी इन दीवारों के ऊपर जो आप छेद देख पा रहे हैं, जो होल्स देख पा रहे हैं, ये हैं तोप के गोलों के निशान, जो कि 1808 में युद्ध के दौरान दीवारों पर लगे थे। और ये है टूटा हुआ दरवाजा लखन पोल। लखन पोल से आगे बढ़ते ही हमें कुछ लोकल आर्टिस्ट नजर आते हैं, जो कि बहुत ही उम्दा म्यूजिक प्ले करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट रावण हत्ता के साथ। हमारे साथ है आपका नाम सुरेश है इनका नाम, ये बहुत अच्छा, इसका नाम है रावण कुछ, रावण हत्ता। ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, जिसमें अलग अलग तरह की धुनें आपको सुनाई देंगी। यहीं पास में एक तोप है, जो कि दुश्मन पर हमले के लिए तैनात रखी जाती थी। तब यहां से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट के तीसरे मुख्य दरवाजे की ओर। तीसरे द्वार से प्रवेश करते ही आपको मेहरानगढ़ फोर्ट का एक मैस्मराइजिंग सीन नजर आएगा।
तो चलिए अब इस खूबसूरत नज़ारे के साथ मैं आपको सुनाता हूँ मेहरानगढ़ की उस सच्ची घटना की कहानी, जिस वजह से मेहरानगढ़ दुर्ग को एक श्रापित किले के नाम से भी जाना जाता है। इस इंसिडेंट की शुरुआत होती है तब जब राव जोधा किले के निर्माण के लिए एक स्थान का निरीक्षण करने पहुंचते हैं। वो वहां पर देखते हैं एक बकरी को एक शेर से लड़ते हुए, और ऐसा देखकर वो बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं और फैसला लेते हैं कि वो किले का निर्माण इसी स्थान पर करेंगे। जिस पहाड़ी पर इस दुर्ग का निर्माण किया जाना था उस पहाड़ी का नाम था चिड़ियानाथ की टूंक। यहाँ पर कुछ जल स्रोत भी थे और यहाँ पर एक योगी रहा करते थे जिनका नाम था चिड़ियानाथ। जब योगी को बताया गया कि राजा इस स्थान पर दुर्ग का निर्माण करने वाले हैं, आपको अपनी इस कुटिया को यहाँ से हटाना होगा, तो योगी नहीं माने, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन राव जोधा को इससे उपयुक्त जगह और कहीं नज़र नहीं आ रही थी, तो उन्होंने यहीं पर किले का निर्माण शुरू कर दिया। फिर योगी चिड़ियानाथ ने गुस्से में आकर अपनी कुटिया उजाड़ दी और जाते जाते राव जोधा को श्राप दिया कि जिस पानी की वजह से तुमने मेरी साधना भंग की है वही पानी अब तुम्हें नसीब नहीं होगा, ये पानी सूख जाएगा। और योगी के श्राप से कुछ ऐसा ही हुआ, जोधपुर में पानी की कमी आने लगी। राजा ने इस सिचुएशन को देखकर योगी से माफी मांगी। माफी मांगने पर योगी ने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा श्राप को खत्म करने के लिए राज्य के किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से किले के नीचे जिंदा दफन होकर जीवन की बलि देनी होगी। जब राजा किसी को ढूंढने में विफल रहे तब राजा राम नामक एक व्यक्ति अपने प्राणों की आहुति देने के लिए आगे आए। तब राजा राम को एक शुभ दिन एक शुभ स्थान पर जिंदा दफनाया गया ताकि मेहरानगढ़ किले की नींव रखी जा सके। तो ये है वो सच्ची घटना की कहानी जिस वजह से मेहरानगढ़ किले को एक श्रापित किले के नाम से जाना जाता है। तो अब इस कहानी को सुनाते हुए हम पहुंच चुके हैं मेहरानगढ़ किले के चौथे मुख्य दरवाजे की ओर, जहां पर यहां के लोकल आर्टिस्ट हमारा स्वागत करते हैं राजस्थानी ट्रेडिशनल अंदाज में। तो अब यहाँ से हम प्रवेश करने वाले हैं मेहरानगढ़ किले के चौथे मुख्य दरवाजे के अंदर, जिसका नाम है लोहा पोल। लोहा पोल पर आपको कई सारे हाथों के निशान, कई सारे हाथों के छाप नजर आएंगे। ये उन रानियों की निशानियाँ हैं जो सती हुई। लोहा पोल को पार करते ही शुरुआत होती है राजमहल की। यहाँ अंदर हमें कुछ दुकानें नजर आती हैं जहाँ से हम राजस्थानी ट्रेडिशनल चीज़ें खरीद सकते हैं। इसी के सामने एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर आप भोजन कर सकते हैं। और यहीं से जाता है राजमहल में प्रवेश करने का प्रमुख रास्ता। इस द्वार का नाम है सूरज पोल, जिसके अंदर अब हमने प्रवेश कर लिया है। प्रवेश करते ही काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हमें पार करनी होती हैं और फिर अब हम पहुँच जाते हैं राजमहल में। ये जो स्थान अभी आप देख रहे हैं ये वो स्थान है जहाँ पर किया जाता था राज तिलक। यहाँ पर ये जो आसन है इस पर बिठाया जाता था भावी राजा को, और राज तिलक करके उन्हें राजा घोषित किया जाता था। मेहरानगढ़ फोर्ट की खास बात है यहाँ की बारीक कारीगरी। देखिए कितनी खूबसूरती से इन डिज़ाइंस को बनाया गया है और कितनी बारीकी से इन पत्थरों को तराशा गया है। तो चलिए प्रवेश करते हैं हाथी हौदा खाने में। हौदा मतलब वो राइडिंग सीट जो कि एलिफेंट की बैक पर रखी जाती थी, जिस पर राजा और महावत बैठा करते थे। यहाँ पर कई सारे हाथी के हौदे आपको दिखाई देंगे, जिसमें कि कुछ सोने से बने हैं, कुछ चांदी के, और कुछ इतनी महीन कारीगरी के साथ बने हुए हैं जो कि देखने लायक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पालकी खाना। यहाँ पर रखी हैं विभिन्न प्रकार की पालकियाँ जो कि रॉयल फैमिली द्वारा उपयोग में ली जाती थी।
ये जो स्पेशल पालकी आप देख रहे हैं ये है डोली, जो कि शादी के दौरान उपयोग में ली जाती थी। यहीं पर पास में एक शॉप है जहां पर आप फोटो क्लिक एंड फ्रेम करवा सकते हैं एक रॉयल अंदाज में। एक फोटो फ्रेम का चार्ज है 1000 रुपीज। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं दौलत खाना चौक की ओर। तो अब हम पहुंच चुके हैं दौलत खाना चौक। यहां पर बीच में खड़े होकर अगर हम देखें तो कुछ इस तरह का खूबसूरत नज़ारा हमें दिखाई देता है। यहां पर आप इस तरह से ट्रेडिशनल राजस्थानी साफा भी बनवा सकते हैं। इसका चार्ज लगभग 100 रुपये है। तो चलिए अब दौलत खाना से अंदर प्रवेश करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ की कुछ ऐतिहासिक चीज़ें। ये मेरे सामने जो आप पालकी देख पा रहे हैं इसमें प्योर सोने का काम किया गया है। इस पर लकड़ी के स्ट्रक्चर के ऊपर प्योर गोल्ड का वर्क किया गया है। यहाँ पर और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे कि महाराजा अजीत सिंह की तलवार, मुगल बादशाह अकबर की तलवार। इसी के साथ यहाँ पर और भी कई सारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जैसे कि पुरानी ढाल, तलवार, बंदूकें, ताले, पुराने सिक्के और भी बहुत कुछ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दरबार की ओर, जहाँ पर कंट्री लाइफ इन मारवाड़ को पेंटिंग्स में दर्शाया गया है। महाराजा के सभापतित्व में जो भी सभा होती थी उसे दरबार कहा जाता था। इन दरबारों में ठाकुर व राजाओं के अधिकारी गण भाग लेते थे। थार के रेगिस्तान में स्थापित राठौड़ राजवंश की राजधानी जोधपुर थी। राठौड़ के राजकाल में कला, संस्कृति, साहित्य, संगीत का निरंतर विकास हुआ। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में चित्रकला का व्यवस्थित रूप से विकास हुआ। प्रत्येक राजाओं के राजकाल में अनेक प्रसिद्ध चित्रकार हुए जिन्हें राजा की ओर से राज्याश्रय प्राप्त हुआ। तो अब ये तो बात हो गई कुछ ऐतिहासिक जानकारी की, लेकिन अब आप इस मिनिएचर पेंटिंग को जरा गौर से देखिए। जब हम इस पेंटिंग पर टॉर्च डालकर देखते हैं तो हमें इस पेंटिंग की बारीकियां सामने नजर आती हैं। जितना भी आप यहाँ पर येलो कलर का काम देख रहे हैं ये सारा का सारा प्योर गोल्ड का काम है। यहाँ पर जितने भी कलर यूज़ किए गए हैं सारे के सारे नेचुरल कलर्स हैं। जो नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं उनको यूज़ करके इस पेंटिंग को बनाया गया है। जब आप टॉर्च डालकर देखते हैं तो हर चीज़ की बारीकी आपके सामने नज़र आती है। यहाँ पर ऐसी और भी कई सारी मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, लेकिन जो मटेरियल इन मिनिएचर पेंटिंग्स को बनाने में उपयोग में लिया जाता था वो प्योरली नेचुरल हुआ करता था। जैसे कि यहाँ पर आप जो गोल्डन कलर देख पा रहे हैं वो प्योर सोना है, प्योर गोल्ड है। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं किले में ऊपर की ओर। तो अब हम आ चुके हैं ऊपर की ओर। यहाँ पर काफ़ी सारे टेंट्स हैं जो कि राजा महाराजा के ठहरने के लिए उपयोग में लिए जाते थे। जब भी राजा महाराजा शिकार खेलने के लिए जंगल में जाया करते थे तो इसी तरह के जो टेंट्स थे वो वहाँ पर लगाए जाते थे, और इस तरह का कारपेट जो है वो वहाँ पर बिछाया जाता था और राजा के ठहरने की व्यवस्था वहाँ पर की जाती थी। यहाँ पर रॉयल फैमिली की पोशाक भी संग्रहित करके रखी हुई हैं, जैसे कि महिलाओं की पोशाक, अचकन, महाराजाओं की पसंदीदा पोशाक, अंगरखा। यहाँ पर काफ़ी बारीकी से बने पर्दे हैं जिन्हें खिड़कियों पर लगाया जाता था, और काफ़ी सारे बिछौने हैं जिन्हें ज़मीन पर बिछाया जाता था। यहीं पास में स्थित है शीश महल, जहाँ पर आपको अद्भुत कांच की कारीगरी देखने मिलेगी। यहाँ उपयोग किए गए शीशे उत्तल आकार के हैं और रंगीन पन्नी और पेंट के साथ डिज़ाइन किए गए हैं, जो कि दीपक की रोशनी में झिलमिलाते थे। प्लास्टर में बने विभिन्न धर्म चित्रों के साथ इन सजावटी दर्पणों को अच्छी तरह से पूरक किया गया है, जो कि उस समय की कला पर धर्म और संस्कृति का मजबूत प्रभाव दिखाता है। कई सजावटी पैनल भगवान ब्रह्मा, श्री राम, भगवान शिव और पार्वती, बांसुरी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण आदि जैसे देवी देवताओं को प्रदर्शित करते हैं। यह कमरा महाराजा अजीत सिंह जी का शयन कक्ष था, जिन्होंने 1679 और 1724 के बीच जोधपुर पर शासन किया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं फूल महल की ओर। देखिए महल में कुछ इस तरह से घुमावदार रास्ते होते हैं जिन्हें पार करके हमें आगे की ओर बढ़ना होता है। देखिए यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ हैं, इन्हें चढ़ने के बाद हम पहुँचेंगे फूल महल। तो अब हम पहुँच चुके हैं मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित फूल महल में।
फूल महल का निर्माण महाराजा अभय सिंह जी ने करवाया था। इसकी छत पर अत्यंत ही आकर्षक फूल पत्तियां, राज परिवार के सदस्यों के चित्र, कुल देवी देवता आदि असली सोने के काम से चित्रित करवाए गए हैं। 36 राग रानियों का चित्रांकन अत्यंत ही अद्भुत है। इस चित्रांकन में लाल, पीले, सफेद और आसमानी रंग का प्रयोग अत्यंत ही सुंदरता से किया गया है। छत में 4 स्थान दर्पण से जुड़े हुए हैं और महाराजा तख्त सिंह के 10 राजकुमारों में से 9 के रंगीन चित्र छत पर बने हुए हैं। पूर्व उत्तर की खिड़कियों के बीच भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का सुंदर चित्र बना है, जो मारवाड़ के महाराजाओं का वैष्णव धर्म के प्रति आस्था का प्रतीक है। फूल महल असंख्य उत्सवों व आयोजनों का साक्षी रहा है। फूल महल की छत इतनी आकर्षक और सुंदर है कि उसे नजर न लग जाए, इसलिए काले धागों के गुच्छे चारों कोनों पर लटकाए गए हैं। इस महल में दरबार भी लगते थे और नृत्य की महफिल भी होती थी, इसलिए इसे नृत्य कक्ष भी कहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित आर्मरी, यानी कि वो स्थान जहां पर अस्त्र शस्त्र संग्रहित करके रखे हुए हैं। यहां पर आपको दिखाई देंगे युद्ध में प्रयोग लिए जाने वाले कई सारे वेपन्स, जैसे कि बंदूकें, खंजर, कटार, ढाल, तलवार, हेलमेट, कवच और भी बहुत कुछ। हमने मेहरानगढ़ म्यूजियम की एक सेपरेट डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसमें हमने सभी ऐतिहासिक चीज़ों को अच्छे से दर्शाया है। अगर आप चाहें तो उस डॉक्यूमेंट्री को देख सकते हैं। ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहां जाकर आप मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित सभी ऐतिहासिक चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं तख्त विलास में। इसका निर्माण महाराजा तख्त सिंह जी ने करवाया था। ये उनके रहने का स्थान हुआ करता था। महाराजा तख्त सिंह जी, जिनका शासनकाल 1843 से 1873 तक रहा, ये जोधपुर के आखिरी शासक थे जो मेहरानगढ़ दुर्ग में रहे। तख्त विलास काफ़ी इंटरेस्टिंग तरह से बनाया गया है, जिसमें ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न यानी ब्रिटिश के टाइम के आर्किटेक्चर देखने मिलते हैं। तख्त विलास में काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं जो दीवारों और छत पर की गई हैं। तख्त विलास से आगे चलें तो हमें बहुत ही खूबसूरत खिड़की दरवाजे नज़र आते हैं, जो कि पुराने टाइम पर उपयोग में लिए जाते थे। इन खिड़की दरवाज़ों की खास बात है इनकी कारीगरी। इनमें इतनी बारीकी से, इतनी महीनता से काम किया गया है, जो कि देखने लायक है। यहीं पर एक बालकनी है जहां से जोधपुर शहर और किले का निचला हिस्सा नज़र आता है। यहां से वो रास्ता नज़र आता है जहां से चढ़ाई करते हुए हम किले के ऊपर तक पहुँचे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग में। अभी हम प्रवेश कर चुके हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के जनाना सेक्शन में। यहाँ पर सर्वप्रथम वो स्थान है जहाँ पर रखा जाता था हिसाब किताब। राजपूत राजमहल जहाँ रानियों, राजमाताओं, राजकुमारियों और पासवानियों का निवास स्थान होता था, उसे जनाना कहते थे। जोधपुर और अन्य राजपूत राजधानियों में पर्दे की प्रथा प्रचलित थी। जनाना में प्रवेश निषेध था, केवल महाराजा एवं निकटतम संबंधी जनाना में जा सकते थे। राज परिवार की महिलाओं को अपने निजी खर्च के लिए गांव प्रदान किए गए थे। अनेक रानियों व पासवानियों द्वारा लोक हितार्थ मंदिर, कुएं व बावड़ियों का निर्माण करवाया गया। कई रानियां तो विदुषी एवं कवित्री भी थी। राजघरानों में होने वाले विवाह, जन्मदिन एवं त्योहारों पर होने वाले उत्सवों का संचालन रानियां करती थीं। ऐसे अवसरों पर काफ़ी मात्रा में सेवादारों एवं धन की आवश्यकता रहती थी, जिसका प्रबंध रानियां स्वयं करती थीं। महाराजा मानसिंह जी एवं तख्त सिंह जी के समय में बने चित्र यह दर्शाते हैं कि रानियां शिकार व चौगान के खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेती थीं। जनाना सेक्शन में मेहरानगढ़ दुर्ग का सबसे बड़ा रूम है, जिसे कहा जाता है मोती महल। इसका नाम मोती महल बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी दीवारों पर जो प्लास्टर है उसकी स्मूथनेस इतनी अच्छी है कि मानो एक मोती हो। इस महल के प्लास्टर में उपयोग किया गया है सी शेल का, यानी कि शंख व सीपियों के फाइन पाउडर का चूने के साथ उपयोग किया गया है, जिससे कि दीवारें मोती समान लगती हैं। इस महल की सुंदरता बढ़ाते हैं यहाँ के रंगीन कांच व खिड़कियाँ, सोने की पत्तियाँ,
एवं शीशेल्स। इस भव्य हॉल को स्पेशल ओकेजन्स के दौरान उपयोग में लिया जाता था, जैसे फेस्टिवल सेलिब्रेशन के लिए। ऐसा माना जाता है कि रानियां यहां बैठती थीं और अन्य लोगों द्वारा देखे बिना अदालती कार्रवाई सुनती थीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं जनाना सेक्शन से। यहाँ पर आपको कुछ ट्रेडिशनल राजस्थानी चीज़ें नज़र आएंगी जो आप परचेस कर सकते हैं। अंकल, ये एक को बनाने में कितना टाइम लगता है? बनाने में सर साइज के हिसाब से होता है, इसी साइज का बनाने में 6 दिन लगता है। अच्छा, 6 दिन। क्या चीज़ है? हैंडीक्राफ्ट की है ना, दरिया टाइप की। दरी टाइप की, दरिया भी है, बांधनी भी है। अच्छा, ट्रेडिशनल कपड़े। हाँ, सारा हाथ का बना हुआ है, कलर भी नहीं जाता, पक्का कलर है। अच्छा, यहाँ से आगे चलें तो भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जहाँ पर हम दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद यहीं से जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित पैलेस से बाहर निकलने का रास्ता। लेकिन अभी मेहरानगढ़ दुर्ग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि देखना बाकी हैं, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग की खास बात है यहाँ की बारीक कारीगरी। इतनी खूबसूरती से और इतनी बारीकी से काम किया गया है जो कि देखने लायक है। यहाँ पर आगे चलें तो बहुत ही बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ यहाँ पर नज़र आती हैं जो कि पुराने ज़माने में उपयोग में ली जाती थी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम सर? नैनू राम सर। नैनू राम सर जी, आपके ये राजस्थानी धुनें लगभग सभी बजा लेते हैं? जी, सभी बजा लेते हैं। गाना गाए। थैंक यू दोस्तों। यहाँ पर मेरे पीछे आप कई सारे कमरे देख रहे होंगे, एक तरफ से यहाँ से भी देखिए और यहाँ पर भी देखिए, कई सारे कमरे आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये वो कमरे हैं जो कि यहाँ पर तोपची हुआ करते थे। ये जो दीवार आप दिख रही है इसके ऊपर कई सारी तोपें रखी हुई है, तो जो तोप चलाने वाले लोग हुआ करते थे वो यहाँ पर रहते थे, उनके रूम्स हैं ये सारे के सारे लाइन से। तो चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं जो तोपें हैं जो कि यहाँ पर वॉल पर रखी हुई है एक साथ। अब हम पहुंच चुके हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के ऊपरी भाग में जहां पर तैनात हैं कई सारी तोपें। तोपों के साइज और पैटर्न वेरी करते हैं, कई तोपों की मारक क्षमता तो काफी दूर तक की है। मेहरानगढ़ दुर्ग के चारों ओर इसी तरह से तोपें तैनात रखी जाती थी दुश्मन पर आक्रमण के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैं आपको नीचे तोपों के बारे में बता रहा था वो तोपें यहाँ हैं। देखिए लाइन से कई सारी जो कैनन्स हैं वो यहाँ पर वॉल पर तैनात की गई हैं। मतलब यहाँ से ही देखिए दूर तक आपको पूरा को पूरा जोधपुर सिटी दिख रहा है। यहाँ से अगर कोई दुश्मन आता था पुराने टाइम पर तो उसको यहाँ से निगरानी करके देख लिया जाता था और यहीं से जो कैनन को है फायर किया जाता था ताकि जो दुश्मन की सेना है वो
वहीं के वहीं ख़त्म हो जाए और यहाँ तक पहुँच ही ना सके। इसकी जो किले की सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इसे डिज़ाइन किया गया था। यहीं पर नहीं, यहाँ पर दूसरी साइड भी आप देखिए, यहाँ पर भी आपको बहुत सारी कैनन्स नज़र आएगी। देखिए दूर से वॉल पर आपको कैनन्स नज़र आ रही है, वो तो है चामुंडा माता का मंदिर। और यहाँ पर ये दूसरी वॉल पर आप देखिए कई सारी कैनन्स हैं, कई सारी तोपें हैं जो कि तैनात करके रखी गई हैं। तोपों का साइज़ काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। देखिए बहुत बड़ी बड़ी तोपें हैं यहाँ पर, थोड़ा सा क्लोजअप्स में देखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ये काफ़ी बड़ी तोपें हैं, मतलब इतनी बड़ी कि यहाँ से इसकी जो मारक क्षमता है, जो एवरेज रेंज है, वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ आप मेरे पीछे देख पाएंगे काफ़ी बड़ी सी कैनन है, काफ़ी बड़ी तोप है। ये देखिए एक छोटा व्हील है, बड़ा व्हील है, आगे पीछे करके इसको यूज़ कर सकते थे। और बहुत दूर इसकी मारक क्षमता है, क्योंकि इसका साइज़ आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा साइज़ की यह कैनन है, काफ़ी बड़ी ये तोप है। दोस्तों यहाँ मेरे पीछे देखिए, ये है एक पानी का टांका, एक वाटर स्टोरेज सिस्टम। फोर्ट के ऊपर डिज़ाइन किया गया है इसे, क्योंकि यहाँ पर पानी का थोड़ा सा कमी रहती है, तो उसकी वजह से पानी को स्टोर करके यहाँ पर रखा जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं माँ चामुंडा मंदिर की ओर। माँ चामुंडा जोधपुर के राजघराने की ईष्ट देवी हैं। माँ चामुंडा के इस मंदिर की स्थापना 1459 में राव जोधा जी ने की थी। पहले माँ चामुंडा की प्रतिमा जोधपुर की प्राचीन राजधानी मंडोर में स्थापित थी, लेकिन जब मेहरानगढ़ फोर्ट का निर्माण किया गया तो मंडोर से माँ चामुंडा की प्रतिमा लाकर दुर्ग में स्थापित की गई। पहले माँ चामुंडा को जोधपुर और आसपास के लोग ही मानते थे और उनकी पूजा अर्चना किया करते थे, लेकिन माँ चामुंडा में लोगों का विश्वास युद्ध के बाद बढ़ता चला गया। लोगों की आस्था बढ़ने के पीछे की वजह के बारे में कहा जाता है कि जब 1965 का युद्ध हुआ था, तब सबसे पहले जोधपुर को टारगेट बनाया गया था और माँ चामुंडा ने चील के रूप में प्रकट होकर जोधपुर वासियों की जान बचाई थी और किसी भी तरह का कोई नुकसान जोधपुर को नहीं होने दिया था। तब से जोधपुर वासियों में माँ चामुंडा के प्रति अटूट विश्वास है और आज भी आप देखेंगे तो मेहरानगढ़ दुर्ग के ऊपर आपको कई सारी चीलें मंडराती हुई नजर आएंगी। और जब आप माँ चामुंडा मंदिर से नीचे की ओर देखेंगे तो आपको जोधपुर शहर का एक अद्भुत नज़ारा नज़र आएगा। जैसा कि कहा जाता है, जोधपुर इज़ द ब्लू सिटी, तो यहाँ पर आपको अधिकतर घर नीले कलर से रंगे हुए नज़र आएंगे। ये सभी नीले घर ब्राह्मण लोगों के हैं। पुराने समय से ही नीला रंग करवाने का उद्देश्य था प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, कि जिस घर में नीला कलर है वो ब्राह्मण का घर होगा। और नीले रंग को करवाने का एक और उद्देश्य था, जोधपुर में बहुत गर्मी पड़ती थी तो नीला रंग करवाने से घर के अंदर थोड़ी ठंडक बनी रहती थी। दोस्तों जोधपुर शहर की एक खास बात है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी है। आप चाहे तो बस से आ सकते हैं, चाहे तो ट्रेन से आ सकते हैं, चाहे आप एयरलाइन का यूज़ करके एयरप्लेन से भी यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत आसानी से आप ट्रैवल कर सकते हैं और मेहरानगढ़ किले को विजिट कर सकते हैं। तो ये था मेहरानगढ़ दुर्ग का आखिरी पॉइंट। अब हमें निकास की ओर बढ़ना होगा, यहाँ पर जाने आने का एक ही रास्ता है, तो अब हमें प्रस्थान करना होगा उसी रास्ते से जिस रास्ते से हम किले में आए थे। तो दोस्तों ये था जोधपुर का सुप्रसिद्ध मेहरानगढ़ किला। हमें काफ़ी अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें।